हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज है सैटरडे नाइट और 8:15 हो रहे हैं। और आज मैं सैटरडे में रात में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यह है सक्षम, और सक्षम को पहनाइए कैप क्योंकि बाहर हो गई है सर्दी, बारिश पड़ रही है ना बार बार, और कहीं कहीं ओले भी पड़ रहे हैं। और अभी मैंने आज रात में लगाई थी अभी मशीन, रात में मतलब बहुत लेट भी नहीं हुआ, अभी 8:15 हो रहे हैं। तो सैटरडे नाइट में कोशिश करती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा कपड़े में तो रात को एक लोड लगा देती हूँ, तो उससे मेरे लिए अगले दिन संडे में इजी रहता है। नहीं, संडे में इतना काम हो जाता है कि बड़ा टफ हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। बेडशीट चेंज की जैसे कि मैं संडे में करती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सैटरडे को कर देती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लगती है साफ साफ बेडशीट्स वगैरह। तो ये वाली भी मैंने अभी चेंज की है। और चलिए बैठ के आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे तो यूपी में मेरठ में बच्चों के एग्ज़ाम जो थे, जो बचे हुए एग्ज़ाम थे, दो पेपर रह रहे थे मेरे बच्चों के, श्रीजा के, सक्षम के तो हो गए थे, तो वो कैंसिल कर दिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो ये कोरोना वायरस को भी कितना हल्ला मचा हुआ है यार। मतलब ये चाइनीज़ लोग भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, इन्होंने अपनी गलती की वजह से सब लोगों को खतरे में डाल दिया। पता नहीं ये बैट खाने की वजह से हुआ कि पता नहीं कोई, मतलब कोई कोई कह रहा है कि यहाँ कोई पता नहीं कोई, मतलब वो कर रहे थे साइंटिस्ट कुछ कर रहे थे, उससे हुआ है वो, तो ब्लास्ट वगैरह ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन सारी दुनिया के लिए तो खतरा हो ही गया है ना, जहाँ भी जाओ कोरोना वायरस, मास्क है ना। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। और थोड़ा सा बस सेफ्टी का ध्यान रखना है, बच्चों के हैंड वॉश वगैरह बार बार कराते रहें। तो मैंने भी श्रीजा और सक्षम के लिए मास्क ले रखा है, बाहर जाते हैं तो मास्क लगा लेती हूँ। और वैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह वाली जगह पे मैं नहीं जा रही हूँ। और गली में तो बच्चे खेलेंगे ही, देखिए बिल्कुल बच्चों को घर में बंद तो नहीं कर सकते, नहीं तो ये बोर हो जाएंगे, छुट्टियाँ पड़ गई हैं इनकी। और बार बार हैंड वॉश कराते हैं बच्चों को। और वैसे भी ये वाला जो मौसम होता है इसमें तो बच्चों के लिए वैसे भी बीमारियाँ फैलती हैं, जब होली के बाद में एकदम गर्मियों की स्टार्ट होती है। और इस बार तो पता ही नहीं चल रहा कुछ मौसम किधर साइड में जा रहा है, क्योंकि बार बार बारिशें हो रही हैं और बार बार ओले वोले पड़ रहे हैं, नहीं तो इस मौसम में कहाँ बारिश पड़ती है। और जो फसल बेचारे किसानों की बर्बाद हो रही है तो दुख भी होता है, क्योंकि आजकल क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया है और ये सब करा धरा इंसान का ही है। और देखिए पहले हमारी मतलब हिंदुस्तानी सभ्यता में क्या था कि कितने यज्ञ अभी भी होते हैं यज्ञ वगैरह, लेकिन पहले पूजा पाठ यज्ञ शाम को हमारे घरों में किस चीज़ की खुशबू फैलती थी, हमारे घरों में अगरबत्ती धूप दीप इन सब चीज़ों की खुशबू फैलती थी। और आजकल क्या है, रूम स्प्रे और ये दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, और कहते हैं कि इन चीज़ों से बैक्टीरिया मरता है। अरे कोई बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, मुझे लगता है बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इंसान जितना सादा रहता था उतना इन चीज़ों का नाम कम सुना था, और अब ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले मतलब खाने में इतनी मिलावटें हो गई और वातावरण में इतने वायरस आ गए, बताओ कैसे कैसे इंसान बचेगा, कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हो गई हैं हम लोगों के लिए। और ये चाइनीज़ लोगों ने तो भैया, एक वीडियो मैंने देखी उसमें मतलब जिंदा ही प्राणी खा रहे हैं वो, और कुछ भी खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, डॉगी खा रहे हैं और बैट्स खा रहे हैं। तो जब इतनी गंदी गंदी चीज़ें खाई जाएंगी, कॉकरोच भी खा लेते होंगे, तो इतनी गंदी चीज़ें खाई जाएंगी तो वायरस तो फैलेंगे ही भाई। और दूसरा, ईश्वर ने हमें प्रकृति ने देखिए हर चीज़ बना के दी है, खाने के लिए अलग चीज़ें दी हैं। जो वेजिटेरियन है वो वेज खाते हैं, वेजीज दी हैं, इतने फ्रूट्स दिए हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है, देखिए मैं हम लोगों को भी गलत नहीं कहती, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी कितनी मतलब जो लोग शुरुआत से खाते आ रहे हैं वो चीज़ खाइए ना, और ये जो गंदी बैट्स वैट्स ये क्यों खाते हैं। और हम तो फुल्ली वेजिटेरियन है तो हम तो क्या खाते होंगे, बैट बोल रहे हैं क्या, अपनी बैट चमगादड़ तो सक्षम को लीजर्ड नहीं, गंदी बात होती, गाय माता होती है ना, गाय हमारी माता है, उसको हमें नहीं खाता है। देखिए बच्चे चिपकली भी खा लेते हैं, हाँ चिपकली भी खा लेते हैं, गंदी चीजें नहीं खाते है ना, खाना खाते हैं। तो ये वायरस तो फैलेंगे जब गंदगी खाओगे तो भैया, और जब खाली तुमने और वायरस फैला दिया, पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा है, और वो वायरस दिखाई थी उसमें मेंढक भी खा रहा था। और जब भी फोन उठा के देखो तो कोई ना कोई वीडियो चलती होती है कोरोना वायरस के ऊपर, मतलब सब लोग ज्ञान बांट रहे हैं, कोई मास्क बनाने का आइडिया बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है लहसुन का पानी पियो, कोई कुछ बता रहा है। तो जिसको जो मिल रहा है वो अपना अपना ज्ञान बांट रहा है, लेकिन ये फिजूल का ज्ञान भी अच्छी बात नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ यूज़ कर लेते हैं तो उसका उल्टा ही इफेक्ट हो जाता है, तो मतलब
मतलब साफ सफाई का ध्यान रखिए, भीड़ भड़ा के तो बचिए, लेकिन ज्ञानियों का ज्ञान भी थोड़ा कम ही लेना चाहिए, क्योंकि हर हर कोई कोरोना वायरस का ज्ञान देने लगा हुआ है और ये हुआ मचा हुआ है कोरोना वायरस का, है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कोरोना वायरस, और बहुत से लोग तो मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक का विषय नहीं है ये, क्योंकि कितने लोग मर चुके हैं इससे विदेशों में भी, और देखिए कितनी हमारी सरकार। सो फ्रेंड्स, जहाँ भी जाते हैं हर किसी के मुंह पे बस एक ही बात है, कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस। तो अगर किसी को छींक भी आती है ना, नॉर्मल छींक भी आती है, तो बस सबके मुंह से निकलता है कोरोना वायरस। पहले इस वायरस का नाम भी नहीं सुना था, और पता नहीं कहाँ से ये कोरोना वायरस आ गया, और ये कोरोना वायरस ने सबका काम कोरोना काम तमाम कर रखा है। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी आ गई हूँ किचन में, और बच्चों को अब दूँगी डिनर खाने के लिए, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो रहा है। तो बच्चों को खाना, आज मैंने खाने में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी भूख थी, तो उन्होंने दूध बिस्किट खाए थे, दूध ब्रेड खाए थे, तो वो अब खाना नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं। और मेरे और इनके लिए सब्जी पड़ी हुई हैं बची हुई, आज मैंने शाम को नहीं बनाई, ये बीन्स है और दाल है थोड़ी सी, वो काफ़ी है, आज मैंने कुछ बनाया नहीं। तो बस सब्जियां गरम कर लूँगी माइक्रोवेव में, और फिर हम दोनों करेंगे डिनर। तो ये मेरी दाल तो गरम हो गई है, और सब्जी को भी गरम कर लेती हूँ, तो फिर डिनर करते हैं, और डिनर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए थोड़ी देर बाद में मिलते हैं डिनर करने के बाद में। तो देखिए डिनर हम लोगों का हो चुका है, और बच्चे अपने पापा के साथ मार रहे हैं चिल। तो छुट्टियों का भी अपना मज़ा है, और सैटरडे नाइट का तो वैसे भी अपना मज़ा है, अगले दिन स्कूल की चिंता नहीं रहती, ऑफिस की चिंता नहीं रहती, तो बहुत अच्छा है ये। और ये पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देख रहे हैं तीनों, और खुश हो रहे हैं बच्चे, हैप्पी हो रहे हैं, एनिमल्स की वीडियो देख रहे हैं। तो अपने बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, देखिए इंसान कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का बचपन लौट के कभी वापस नहीं आता। सो फ्रेंड्स, कल को जैसे कि संडे है, तो संडे में बनाऊंगी राजमा, तो मैं उसको भिगो के रख देती हूँ अभी, तो सुबह को फिर टेंशन नहीं रहती क्या बनाना है और क्या। सो मैंने ये सब्जी चॉप करके रख दी है, तो आलू गोभी की सब्जी, राजमा और रायता बनाऊंगी दोपहर को लंच में, तो ये मैंने कट करके रख दी है। तो आप लोग भी कभी ऐसे करके ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आप लोग ऐसे करते भी हो, अगर सब्ज़ी रात में ही चॉप करके रख दो ना, और मतलब एक दिन पहले से ही सोच लो कि हमें कल क्या बनाना है, तो काफ़ी इजी हो जाता है, और तभी के तभी सोचो तो आधा टाइम तो सोचने में निकल जाता है कि क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। फिर राजमा का डब्बा उतार लेती हूँ और राजमा भिगो देती हूँ, जैसे कि राजमा भिगो के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं अभी रात को ही भिगो दूँगी, तो सुबह को जब भी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी उसी के साथ में ये भी चढ़ा दूँगी, तो वो मेरे दो दो काम एक साथ हो जाएंगे, और मैं लंच जल्दी बना देती हूँ ना, जब भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसके तुरंत बाद में संडे को लंच की सब्जियाँ बना देती हूँ। तो एक गिलास राजमे को मैं भिगो दूँगी, एक गिलास काफ़ी होता है हम लोगों के लिए, छोटी सी तो फैमिली है हमारी, फिर ऊपर से सब्जी भी है और रायता भी है, तो एक गिलास काफ़ी रहता है। तो ये मैं इसको पानी में भिगो के ढक के रख दूँगी, तो ये सुबह तक बहुत अच्छा हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट के टाइम पर फिर मैं इसको बॉयल करने रख दूँगी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं इसको फ्राई कर दूंगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो उससे मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर दोपहर के खाने की चिंता नहीं रहती, तो मैं सब्जियाँ ना नाश्ता करने के बाद में तुरंत फ्राई कर देती हूँ, तो दोपहर में मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है एक्स्ट्रा अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और थोड़ी सी सब्ज़ी ये बीन्स की बच गई है, तो इसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि बची हुई सब्जियों को मैं वेस्ट नहीं करती, तो खा लेते हैं गर्म करके, तो खाना ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए यार, खाने की कीमत उन लोगों से पूछो जिनको खाना नसीब नहीं होता। और ये आज मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करी थी, और सुबह की नाश्ते की तैयारी भी मैंने करके रखी है, तो ये मैंने थोड़े से आलू बॉईल करके रखे हैं, और इधर क्या रखा है, इधर मैंने ये क्या कहते हैं इसको साबूदाना भिगो के रखा है, और ये थोड़ा सा आटा बच गया था, और ये है साबूदाना, ये मैंने भिगो के रखा है, तो सुबह ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी आलू डाल के, तो ये काफ़ी हेल्दी होती है और टेस्टी भी लगती है, तो सुबह मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये ऊपर का हिस्सा मेरे फ्रिज का, ये सक्षम ने लटक लटक के इसको तोड़ दिया, बच्चे हैं तो बच्चे पता नहीं भगवान जाने क्या क्या करते हैं, सब चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। और चलिए चलते हैं किचन में, तो राजमा मैंने भिगो दिया है, और राजमे का डब्बा और ये सब चीज़ें जो फैल गई हैं इनको जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं काम करते करते अपनी चीज़ों को वापस सेट करती चली जाती हूँ, नहीं तो पूरी किचन फैल जाती है। और ये इस शेप के डब्बे मुझे काफ़ी पसंद है, ये बहुत कम जगह घेरते हैं, और इधर मेरे कांच के ग्लास रखे हुए हैं जो कि मैं बास्केट में करके रखती हूँ,
और ये नीचे बास्केट में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें जगह पे लगा देती हूँ जिससे किचन फैले नहीं। ये सब कर देती हूँ बंद और फिर मैं भी बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी सैटरडे नाइट, और फिर लाइट कर देती हूँ ऑफ। और देखिए बच्चे और पापा कर रहे हैं मज़े, एंजॉय कर रहे हैं अपना सैटरडे। कितनी शांत हैं ये तीनों आज। और ये मैं भूल गई थी दही जमाना, तो मैंने ये वापस आके दही जमाई सुबह के लिए रायता बनाने के लिए। तो दही और ये सब बर्तन वर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, तो पूरी किचन मैंने क्लीन कर दी है। रात को मैं हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गंदी किचन देखना किसी को भी पसंद नहीं है। तो अपनी गैस वैस सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और ये दूध बना रही हूँ मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और ये कॉफ़ी मग्स मुझे मैरिज एनिवर्सरी में मिले हैं गिफ्ट पे, जो कि आंटी ने मुझे गिफ्ट करे हैं, और बड़े अच्छे क्यूट से हैं ये। तो आज इसी में दूध पियेंगे मैं और ये। तो बना रही हूँ दूध अपने और इनके लिए, बच्चों ने दूध पी लिया है पहले ही, तो मैं अपने लिए और इनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और मैंने एक पंजीरी बनाई है आज, तो दूध को डालूंगी कप में और फिर हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के दूध इंजॉय करेंगे और बातें बातें करेंगे। तो देख रही है एक दूसरे को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन उसमें भी हमें एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहिए। और देखिए आज मैंने पंजीरी जमाई थी, एक्चुअली जो मैंने गुंजिया बनाई थी उनमें से मेरा मावा बचा हुआ रखा था, तो इसकी मैंने पंजीरी बनाई है। और ये मावे वाली पंजीरी बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो कभी कभी फीके दूध के साथ, बिना चीनी का दूध हो और उसके साथ में ऐसी कोई पंजीरी वंजीरी हो, तो बड़ा अच्छा मज़ा आता है उसको दूध को पीने में, गरम गरम, काफ़ी तेज़ सा गरम दूध हो। आप लोगों ने अगर कभी ऐसे ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग दूध अपना इंजॉय करते हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है, तो मुझे पता चलेगा, फिर मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लगता है जब किसी का कमेंट आता है, तो प्लीज़ यार कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये थी मेरी सैटरडे नाइट, तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।